अंतिम चरण का चुनाव 1 तारीख को है और उस दिन पंजाब में वोटिंग होनी है। इस बार वहां पर बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज पंजाब में 2-2 रैलियां की और करतारपुर साहिब पर भी आज कांग्रेस को घेरा। कहा कि अगर 1971 में वो होते तो करतारपुर साहिब भारत में होता। जो पहले पंच प्यारे थे उसमें मेरा एक द्वारिका का पंच प्यारों में था जी। मेरा आपसे खून का रिश्ता है। प्रधानमंत्री पंजाब से खून का रिश्ता बताते हैं, लेकिन क्या पंजाब चुनावों में बीजेपी का साथ देगा? भाई और बहनों, सिख मतदाता बीजेपी को वोट दें, इसके लिए पीएम मोदी वोटरों को अपनी सरकार के काम याद करवाते हुए कहते हैं। आपको याद होगा, अफगानिस्तान में हमारे सिख परिवार संकट में थे। हम सभी को सुरक्षित वापस लाए। हम गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूपों को भी अदब के साथ मेरा मंत्री जाके सर पे सम्मान के साथ लेकर के आया। केसरिया पगड़ी पहनकर पटियाला में प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही मंच पर आए तो मोदी मोदी के नारों से पूरा पंडाल गूंज उठा। मोदी जी को सत श्री अकाल, मोदी जी को जय श्री राम। इसके बाद पीएम ने सिख वोटरों के नब्ज पर हाथ रखने की कोशिश की और सीधे करतारपुर कॉरिडोर के भारत में नहीं होने का मुद्दा छेड़ दिया। जब बांग्लादेश की लड़ाई हुई, 90,000 से ज्यादा पाकिस्तान के सैनिक सरेंडर कर चुके थे, 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक हमारे कब्जे में थे, हुकुम का पत्ता हमारे हाथ में था। और साथियों, मैं विश्वास से कहता हूं, अगर उस समय मोदी होता तो मैं इनसे करतारपुर साहब लेकर के रहता, तब जाकर के उनको जवानों को छोड़ता। पंजाब की आबादी में 57.69% सिख है, 38.49% हिंदू और 1.93% मुसलमान है। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटों पर कुल 2,14,61,739 मतदाता हैं। सभी सीटों पर सिख वोटरों का फैसला आखिरी होता है। हमारा करतारपुर साहिब देश की सीमा के ठीक बगल में, लेकिन कांग्रेस ने उसे पाकिस्तान को सौंप दिया था। हमारी सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर बनवाया, हमने दर्शन करने शीश नवाने के लिए रास्ता खोला। पंजाब के लिए करतारपुर साहिब का मुद्दा अहम है, क्योंकि वहां पर गुरु नानक देव जी ने अपनी जिंदगी के अंतिम 16 साल बिताए, जो 1947 के बाद पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। 2019 के पहले तक श्रद्धालु डेरा बाबा नानक से दूरबीन के जरिए करतारपुर साहिब का दर्शन करते थे, लेकिन कॉरिडोर खुलने और बिना वीजा एंट्री पर सहमति के बाद गुरुद्वारा दरबार साहिब के दर्शन करना आसान हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जिक्र करके सिख वोटरों को लुभाने और कांग्रेस को घेरने का दांव खेला। नेता है हमारी सरकार ने लंगर को टैक्स से मुक्त किया, ये पहले भी की सरकारें कर सकती थी। पहले हर मंदिर साहब में विदेशों से भक्त चंदा नहीं दे पाते थे, बार बार यहां से मांग उठती थी, दिल्ली में बैठी हुई सरकारें सुनने को तैयार नहीं थी। ये मोदी ने आकर के इसके नियमों में छूट दी। पंजाब में बीजेपी पहली बार सभी 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। इससे पहले वो शिरोमणि अकाली दल के साथ विधानसभा लोकसभा चुनाव लड़ती रही है, लेकिन इस बार बीजेपी की तरह अकाली दल
कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सभी अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। पंजाब में सिखों को लुभाने के लिए पीएम मोदी लगातार सिख धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा का प्रदर्शन करते रहते हैं। कभी फुर्सत मिले तो लखपत जाके आना, गुरु नानक साहब वहां विश्राम किया था, वो गुरुद्वारा भूकंप के अंदर क्षतिग्रस्त हो गया, करीब करीब ध्वस्त हो गया। मैं मुख्यमंत्री था, मैंने कहा मुझे वैसा ही गुरुद्वारा बनाना है जो गुरु नानक देव जी के समय के साथ। अब मेरे पास उसके लिए बनाने वाले लोग नहीं थे, मैंने देश भर में खोजा, उसके लिए मैं मिट्टी लाया, उन आर्टिजन को लाया जो बना सकते थे। और आपको खुशी होगी, आज कच्छ के रेगिस्तान में आखिरी गांव में लखपत में मैंने वो गुरुद्वारा वैसा ही बना दिया जैसा पहले था। और आज उसका मैं विस्तार भी कर रहा हूं। वहां कोई वोट नहीं है, ये वोट के लिए मोदी नहीं करता है, श्रद्धा है इसलिए कर रहा है। गुरुओं के त्याग बलिदान के प्रति ये सर झुकता है मोदी का, इसलिए कर रहा है। हाल ही में पीएम श्रद्धालुओं को पटना साहिब लंगर खिलाते हुए नजर आए थे। हिंदुओं की पार्टी के ठप्पे से बाहर आने के लिए बीजेपी ने इस चुनाव से पहले अकाली दल, कांग्रेस और आप के सिख नेताओं को पार्टी में शामिल भी करवाया। उन नेताओं पर ज्यादा फोकस किया है जिनका ग्रामीण आधार है। आज उम्मीद बंधी है लोगों को कि ये सिर्फ पंजाब के लोग 2024 का पार्लियामेंट्री इलेक्शन ही नहीं देख रहे। पंजाब का जो वर्ग है, आज जो लोग समझते हैं कि पंजाब पिछड़ गया है इस तरक्की के रास्ते से, वो बीजेपी को 27 का बदलाव देख रहे हैं कि आने वाली सरकार पंजाब के अंदर बीजेपी की बनेगी और इसीलिए बीजेपी को बहुत ही भरपूर बहुमत यहाँ भी अब भी मिलेगा। हालांकि पंजाब में किसानों की नाराजगी बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती है, इसीलिए पार्टी के नेताओं को लगातार किसान नेताओं को विरोध न करने की अपील करनी पड़ रही है। यानी पंजाब में भले ही बहुकोणीय मुकाबला हो, लेकिन बीजेपी के लिए पंजाब में 3 सीटों के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से आगे जाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा। आज तक ब्यूरो बोले तो निहाल।